भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। कुल 11 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। जो खास नाम है वो है नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, इसके अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष। ये कुल 11 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं, कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जो इस संसदीय बोर्ड से हटा दिए गए हैं। ऐसे नामों में नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है, जो चौंकाने वाला है। लेकिन इसके बीच एक और बड़ा नाम है जो संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं है, लेकिन जिसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। यह नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक इतिहास है। इसके बाद भी उनको भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में जगह नहीं मिली है और यही बात सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक लंबे समय तक पर पार्टी रही है कि अलग अलग प्रदेशों के दिग्गज मुख्यमंत्रियों को अपने संसदीय बोर्ड में जगह दी जाती रही है, लेकिन इस बार इन 11 नामों में एक भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का शामिल नहीं है, और इन्हीं में नाम है योगी आदित्यनाथ का भी। जब वो दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो लोगों को यकीन था कि अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगठन में भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी, लेकिन संसदीय बोर्ड में उनका नाम शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी भी जब 2014 चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार बनाए जाने लगभग तय थे, तब उनका नाम संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था। उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, संसदीय बोर्ड में भी उनको शामिल करा गया और इसी प्रक्रिया में आगे चलते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था। हालांकि आज के भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बात करें तो इसमें बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। योगी आदित्यनाथ के अलावा शिवराज सिंह चौहान, जो पहले इस बोर्ड में शामिल थे, उनको हटा दिया गया है। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्रियों में से किसी को भी इसमें जगह नहीं मिली है। इस पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है कि जगह इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि फिलहाल पार्टी का फोकस आगामी चुनावों पर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा उपचुनाव भी हो चुके हैं, अब लंबे समय तक वहां पर कोई भी चुनावी माहौल नहीं बनना है, इसलिए उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को इसमें जगह नहीं दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री रह चुके राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उनको जगह दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बीएस येदियुरप्पा को भी जगह दी गई है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव प्रस्तावित हैं। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।